आज का टॉपिक है येलो फीवर। तो येलो फीवर जो है एक वायरल फीवर है जो कि मस्कीटो बाइट की वजह से होता है। तो येलो फीवर को हम सिल्वेटिक फीवर, हेमरेजिक फीवर या फिर जो है फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। तो फ्लेवी वायरस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो जो है मॉस्किटो से ह्यूमंस में जो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है इस वजह से हम इसको फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। और फ्लेवी वायरस में जो है इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है मॉस्किटो फीमेल एडीज एजिप्टाई। तो फीमेल एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो है वो जो है कैरी करती है टोगा वायरस को, जिसकी वजह से जो है येलो फीवर की जो डिसीज़ कंडीशन है वो कॉज होती है। इसके अलावा जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो जो येलो फीवर में 3 स्टेजेस होती हैं मेनली। फर्स्ट स्टेज है माइल्ड स्टेज, जिसमें कि बैकएक, हेडेक, फीवर, चिल्स, इसके अलावा जो है पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे जो सिम्टम्स है उसको वीकनेस, फटिक, सारे सिम्टम्स जो है उसमें शो होते हैं माइल्ड स्टेज में। इसके अलावा है रेमिशन पीरियड। तो रेमिशन पीरियड ऐसा है जिसमें कि जो सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, फीवर, बैकएक, हेडेक, बॉडी पेन, मसल पेन और इसके अलावा जो है जॉइंटिस, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं रेमिशन पीरियड में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो वीक इम्यूनिटी की वजह से जो है उन लोगों में ये सिम्टम्स जो है आफ्टर 4 डेज दोबारा से रीअकर होने लगते हैं। तो रीअकरेंस की वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जिसमें कि पेशेंट को हेडेक होता है, वीकनेस होती है, फीवर होता है और साथ ही साथ जो है जॉइंटिस की कंडीशन भी उनमें देखी जाती है। और अगर ये जो रेमिशन पीरियड है वो अगर जो आगे के लिए अगर वो क्रिएट हो तो वो नेक्स्ट चल के इंटॉक्सिकेशन जो पीरियड है वो स्टेज आ जाती है। तो 3rd स्टेज में इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन होती है, जिसमें कि जितने भी सारे सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो एकदम से सीवियरली अक्का होंगे पेशेंट के अंदर, और साथ ही साथ उनके जो जो वाइटल ऑर्गन है जैसे हार्ट, लिवर, किडनी या फिर ब्रेन, तो ये सारे जो जैसे कि ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स, इनकी फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इफ़ेक्ट पड़ने के साथ साथ जो है इनकी जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है, और बिगड़ने की वजह से जो है जो ऑर्गन फेलियर की कंडीशन है वो देखी जाती है अगर जो येलो फीवर की स्टेज जो है सीवियर हो जाए तो। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्या क्या सिम्टम पेशेंट के अंदर होते हैं। तो पेशेंट के अंदर जो है कोई भी ऑर्गन फेलियर देखा जा सकता है, जिस भी ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ऑर्गन, वो ऑर्गन का फेलियर देखा जा सकता है पेशेंट में। बैकएक, हेडेक, बॉडी पेन, स्पैज़म, मसल स्पैज़म देखा जाएगा, इसके साथ साथ कन्फ्यूजन उनमें पेशेंट में देखा जाएगा और नोज़िया, वॉमिटिंग, साथ ही साथ जो है उनमें उनको नींद नहीं आएगी, जिसकी कंडीशन को हम बोलेंगे इंसोमनिया। तो इंसोमनिया की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके साथ साथ उनको पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और इसकी वजह से इन लोग में इरिटेशन देखा जाता है और रेस्टलेसनेस की कंडीशन भी देखी जाती है। और साथ ही साथ जो है अगर क्रॉनिक कंडीशन हो तो फिर हेमरेजिक कंडीशन देखी जाती है, ब्लीडिंग की कंडीशन देखी जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो है लो अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, उनका पास आउट होगा, यूरिन जो है बहुत कम अमाउंट में पास आउट होगा, ये सारे सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं जो भी पेशेंट को येलो फीवर होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इस क्या 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 जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या बेटर क्लिनिकल फाइंडिंग्स कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है हम येलो फीवर का जो करेक्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकें। तो इसमें है हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि WBC का अमाउंट जो है राइज रहेगा। इसके अलावा जो है यूरिन टेस्ट कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल प्रेजेंस को देखा जा सकता है, या फिर इसके अलावा इसमें CSF कल्चर भी कर सकते हैं। और CSF कल्चर के अलावा जो है कोई भी अगर हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ कंडीशन अगर कॉज हो रही है, हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए हम जो है इसके हार्ट के लिए ECG करवा सकते हैं, जिससे कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको हम देख सकें ठीक से। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में येलो फीवर के मैनेजमेंट के लिए जो है सिम्टोमेटिक उनका जो ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि
जो येलो फीवर है उसके लिए पर्टिकुलर येलो फीवर के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इस डिसीज़ के लिए पर्टिकुलरली बना हो। तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज देंगे, जो है एंटी माइक्रोबियल के अलावा, जिससे कि जो वायरल फीवर है तो वायरल की कंडीशन ठीक हो सके, वायरस कम हो सके बॉडी के अंदर, और जो है एंटीवायरल या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देने से उनका इन्फेक्शन कम हो सके और जो क्रिटिकल कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, वो थोड़ी कम हो सके। इसके अलावा पेशेंट में जैसे सिम्टम होंगे, जैसे कि फीवर हो रहा है तो एनाल्जेसिक फीवर में एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं या फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं स्पैज़म के लिए, पेन के लिए। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन हो रही है तो पेशेंट को एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं। इनके साथ साथ जो है पेशेंट का अगर हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो फिर उसके लिए हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो है जो ब्लड है वो बॉडी में जैसे कि ब्लड का लेवल बढ़ाया जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, जिससे कि पेशेंट की डेथ ना हो या फिर जो कंडीशन है ज़्यादा सीवियर ना हो। इसलिए इसके अलावा पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दे सकते हैं, फ्लूइड थेरेपी देंगे उनको। फ्लूइड थेरेपी के साथ साथ जो है उनका अगर उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो या फिर अनदर सिम्टम हो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए, O2 एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ जो है उन पेशेंट में अगर अनदर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और मैनेजमेंट में जो है हम पेशेंट को जैसे कि उनकी फैमिली है उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको एडवाइस करेंगे कि जो है वो खुद का ख्याल रखें, साथ ही साथ जो फुल स्लीप्स के क्लोदिंग वो वियर करें, क्लोदिंग्स के बाद जो है वो कोई भी ऐसे जो है जो जैसे कि जो बॉडी के लिए ऑइंटमेंट होते हैं, ऑइंटमेंट वो लोग जो लगा सकते हैं जिससे कि मस्किटो बाइट ना कर सके। साथ ही साथ जो है जैसे कि वो होता है मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जो एंटर ना हो सके। इसके अलावा जो है क्लीनलीनेस का ध्यान रख सकते हैं, क्लीनलीनेस जैसे कि आसपास के एनवायरनमेंट जो सैनिटेशन है उसको क्लीन करके भी जो है मस्किटो बाइट से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कहीं भी आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें, ये इस चीज़ों का जो है इन चीज़ का ध्यान रख के जो है इन चीज़ों को जो है करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में जैसे कि उनमें कोई भी हार्ट से रिलेटेड उनको अगर जैसे कि कंडीशन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया नज़र आ रहा है या हाई बीपी हो रहा है, हाई बीपी के लिए जो है उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं जिससे कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसको ठीक किया जा सके। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अलावा उनमें और कोई भी जैसे टैकीकार्डिया हो रहा है या अनदर सिम्टम पेशेंट में शो हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका मेडिकेशन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा था कि येलो फीवर क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम पेशेंट में शो होते हैं, इसका क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मस्किटो, जो फीमेल एडीज एजिप्टाइल जो है वो कैरी करके रखती है टोगा वायरस को, उसकी बाइट से जो है येलो फीवर की कंडीशन कॉज होती है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और क्या क्या इसमें सिम्टम शो होते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।